हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल टेक्निकल फुटेज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GNWL वेटिंग 130/ वेटिंग 80 का मतलब क्या होता है। ये हमारे दोस्त बलराम कुमार बालू जी और इन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा था कि GNWL वेटिंग 130/ वेटिंग 80 का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, GNWL का फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट और WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेन जिस ट्रेन से टिकट बना रहे हैं और वो ट्रेन जिस स्टेशन से उसका ओपनिंग स्टेशन जो है प्रारंभिक स्टेशन जो है, अगर आप उसी स्टेशन से उस ट्रेन का टिकट बनाते हैं और लास्ट तक टिकट बनाते हैं, या फिर जिस स्टेशन से ट्रेन खुलती है उसके आसपास वाले स्टेशन से जब आप टिकट बनाते हैं, तब आपको GNWL वेटिंग मिलता है। और ये बहुत सामान्य तरह का वेटिंग लिस्ट होता है और ये कंफर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड, मतलब है कि 130 वेटिंग था, पर अभी वेटिंग जो करंट में है वो वेटिंग 80 है। इसका मतलब हुआ कि 130 में से अभी जो 80 वेटिंग चल रहा है, तो 80 और 20 मतलब 50 आदमी ने जो है जनरल टिकट को कैंसिल कर लिया है। पहले 130 वेटिंग था, उसमें से 50 आदमी ने टिकट को कैंसिल कर लिया, तो अब जो वेटिंग करंट में है वो वेटिंग 80 है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जनरल वेटिंग लिस्ट 130 है और जो अभी करंट में वेटिंग लिस्ट है वो 80 है। तो इस तरह से जो जब आपको GNWL वेटिंग मिलता है, तो आप समझ जाइए कि ये टिकट कंफर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेन के बीच वाले स्टेशन से जब टिकट आप बनाते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन के लिए, लास्ट स्टेशन के लिए, तब आपको GNWL वेटिंग नहीं मिलता है, PQWL वेटिंग मिलता है या और अलग तरह का वेटिंग मिलता है। लेकिन जब आपको GNWL वेटिंग मिलता है, तो आप समझ जाइए कि आपका टिकट कंफर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।